तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, आप ये देखें, ये रमजान अली हैं। अरे ये इनकी मदद की रिक्वेस्ट तो किसी ने सोशल मीडिया पे डाल दी थी, आप इनकी मदद करने के लिए आई हैं? जी जी वही, जहाँ डोनेशन जमा होता है आप वहाँ चली जाएं। जी नहीं, मुझे उनसे मिलना है। देखें, आप उनकी मदद नहीं कर सकती, अब तक डोनेशन आप उनके अकाउंट में जमा ना करा दें। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? प्लीज आप मुझे उनसे मिलवा दीजिए। आप मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। दानियार, आप तुम यहाँ? खैरियत? हाँ खैरियत है। डोनेशन के लिए आई हो राइट? नहीं, ये हैं जिनकी वजह से आई। कमाल, सोशल मीडिया भी बड़े काम की चीज है। हाँ बड़े काम की, वरना मैं इन्हें कहाँ ढूंढूं? तुम्हारे रिश्तेदार हैं को? नहीं, इससे भी बड़े। मैं कुछ समझा नहीं, रिश्ता क्या है तुम्हारा इनसे? बेनाम रिश्ता है। अच्छा चलो, यही खड़े खड़े बातें करते रहेंगे, चलो मेरे ऑफिस में चलते हैं। चलो, उन्हें ना जल्द से जल्द किसी प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट करवा दो, पैसों की बिल्कुल भी फिक्र मत कर। तुम्हारा नहीं ख्याल प्राइवेट इलाज बहुत महंगा पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारा तो मेरे ख्याल से उनसे कोई रिश्ता नहीं है। कोई तो रिश्ता है, वही तो मैं जानना चाहती हूँ, आखिर क्या रिश्ता है? तुम उनको कैसे जानती हो? हम हैदराबाद के एक छोटे से मोहल्ले में रहते थे। नहीं भैया, तुम्हारा मनी ऑर्डर नहीं आया। ठीक है रमजान जी, अल्लाह हाफिज़। रुको 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 रुको, रमजान चाचा, रमजान चाचा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अम्मा कैसी है? अरे वो तो ठीक है ना, अब्बा का खत आया। तू फिक्र ना कर, तेरे बाबा का खत आएगा और तेरा ये रमजान चाचा खुद लेकर आएगा। अच्छा ये बताओ, तुम होमवर्क कर रही हो? पिछली बार तेरी माँ ने शिकायत की थी। देख बेटा, मैं तेरे बाबा को खत लिख दूंगा। वो तो मैं कर लूंगी ना, अम्मा से तो वैसे भी मैं रोज मार खाती हूँ, आज खा लूंगी तो क्या हो जाएगा। तुम मेरे अब्बा का खत क्यों नहीं लाते हो? तुम बहुत गंदे हो, मुझे पता है तुम खा जाते हो। मेरा तुझसे वादा है, एक हफ्ते में तेरे अब्बा का खत मैं खुद लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन लेकर आना जरूर। अच्छा अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। अम्मा, चार दिन से उबले हुए चावल खिला रही हो, अब कल से मैं नहीं खाऊंगी। हाँ तो तुम्हारे अब्बा ने कौन सा गंदम के खेत लगाए हैं? सिर्फ चावल ही तो बचे हैं घर में, तो कुछ भी नहीं है खाने को। अम्मा क्या अब्बा मैं भूल गए? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, वो कह तो रहे थे ना कि फैक्ट्री की हालात बहुत खराब चल रहे हैं, शायद यही वजह। लेकिन वो एक खत तो लिख सकते ना, और आपको पता है मैं रोज रमजान चाचा से पूछती हूँ। अच्छा करती हूँ, रोज पूछा करो, शायद वो भूल जाए। अम्मा वो क्या बोलो? गुड्डू बता रही थी कि उसके अब्बा ने लाहौर जाकर शादी कर ली है। खबरदार जो गुड्डो के साथ खेली जाके दोबारा, तने क्या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती रहती है मासूम बच्ची को। अम्मा कहीं अब्बा ने भी शादी तो नहीं कर ली? सौतीली माँ तो बहुत जालिम होती है। अलीजे चुप, बिल्कुल फजूल बात नहीं कर। हर सू उदासियां, अल्लाह जाने क्या बात हो गई। जमील तुम ऐसे तो ना थे,
पूरे 2 महीने होने को आ गए, ना खाद ना पैसे। यकीन करें खाला, अलीजा के अब्बू ने 2-3 महीने से पैसे ही नहीं भेजे। जैसे ही पैसे आएंगे मैं भूखे पेट आपके पैसे लौटा दूंगी। राबिया भूलना नहीं। अल्लाह अल्लाह, महंगाई तो देखो, हमारा तो अपना पूरा नहीं पड़ता। मैं तो तुम्हारी मदद करके पछताई। मैं क्या करूं खाला, मैं तो जिल्लत की ऐसी खाई में गिर गई हूँ कि निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई देता। मैं देरी के लिए माफी मांगती हूँ, बस मुझे थोड़ी मोहलत और दे। अरे 3-4 हफ्ते से मोहलत ही तो दिए जा रही हूँ। मैं नहीं जानती, कुछ भेज बाज के ना मेरे पैसे चुकता कर दो। जी जी खाला। अलीजे, क्या सोच रही हो बेटा? चलो आओ खाना खाते हैं। अम्मा मुझे लगता है अब्बा हमें भूल गए। ऐसी बात नहीं है, वो तो बहुत प्यार करते हैं अपनी गुड़िया से। नहीं अम्मा, वो हमें भूल गए। गुड्डू के मामू ने भी तो दूसरी शादी की है, वो तो अपने घर में रह रहे हैं। मुझे लगता है अब्बा ने भी दूसरी शादी कर ली है। पागल हो गई हो क्या? वो ऐसा क्यों करेंगे? ये तो भरे पेट इंसानों का काम, वो क्यों दूसरी शादी करें? एक बीवी और बेटी तो पल नहीं रहे, दूसरी को क्या खाक संभालेंगे? फिर मुझे लगता है कि अब्बा 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 मर गए। अल्लाह ना करे, मारूंगी अगर ऐसे बतवाले मुंह से निकाली तो। अल्लाह तुम्हारे अब्बू को सलामत रखे। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि इस गुड्डू की बच्ची के साथ नहीं खेला करो। क्या उल्टी सीधी बातें तुम्हें सिखाती रहती है वो? बेशक आप मुझे मार ले, लेकिन अब्बा को कुछ हो गया है। अलीजा, कैसे मैं कहूं जिंदगी ये बता, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। अरे 3-4 हफ्ते से मोहलत ही तो दिए जा रही हूँ। मैं नहीं जानती, कुछ भेज बाज के ना मेरे पैसे चुकता कर दो। अरे राबिया बहन। अरे रमजान भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अरे रो क्यों रही हो? खैरियत तो है? अलीजा तो ठीक है ना? क्या बताऊं रमजान भाई, अलीजा के अब्बा तो जाके जैसे हम सबको भूल ही गए, और वो बेगम साहिबा, उन्होंने भी तनख्वाह रोक रखी। घर में खाने को चावल का एक दाना भी नहीं। पता नहीं हर बार अल्लाह पाक हमारा इम्तिहान क्यों लेता है। देखो, हर बुरे दिन के पीछे एक अच्छा दिन छुपा होता है। ये देखो, ये जमील की फैक्ट्री से खत आया है। क्या? या अल्लाह तेरे शुक्र, या अल्लाह तेरे शुक्र। अलीजे 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 जल्दी आओ, तुम्हारे अब्बा का खत आया। अलीजे जल्दी आओ भाई, बैठे रहो बैठे। हाँ। अब्बा का खत आया? देख बेटा, आ गया तेरे अब्बा का खत। जल्दी पढ़े ना, अब्बा ने तो पैसे भी भेजे होंगे। अब मैं उन पैसों से नया स्कूल बैग लूंगी। रमजान भाई, क्या हुआ? पढ़े ना खत। रमजान भाई खैर की खबर देना। रमजान भाई, रमजान भाई क्या लिखा है? आप मुझे डरा रहे हैं, पढ़े ना। देखा, डरा दिया ना मैंने। अच्छा पढ़े ना, क्या लिखा है? लिखा है, मैं यहाँ पर खैरियत से हूँ। फैक्ट्री की हड़ताल की वजह से मजदूरों से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से तनख्वाहें रोक ली गईं। मैं तुमको शर्मिंदगी के मारे खत नहीं लिख रहा था, मुझे माफ़ कर दो।
मेरी अलीजे कैसी है? अरे अलीजे तो कभी नहीं लिखा उन्होंने, हमेशा गुड्डी लिखते थे। हाँ तो भाई वो अलीजे बड़ी हो रही है ना, तो गुड्डी जचता नहीं होगा। हाँ यही होगा। अच्छा आगे पढ़े ना रमजान भाई, कोई पैसों की बात क्यों उन्होंने? अरे हाँ भाई मुझे पढ़ने तो दो, आगे सब्र करो। मुझे अलीजे की पढ़ाई की बड़ी फिक्र है, उसका स्कूल बंद मत करना, मेरी बेटी मेरी ढाल बनेगी एक दिन। कुछ पैसे भेज रहा हूँ, ये इतने नहीं कि तुम्हारे मसाइल हल हो सकें, मगर सहारा ज़रूर हो जाएगा। आइंदा बाकायदगी से खत और पैसे भेजूँगा। और हाँ फैक्ट्री का नया मैनेजर बहुत सख्त तबीयत का है, ना किसी से मिलने देता है और ना ही ईद बकरीद की छुट्टियाँ देता है। अब नौकरी तो करनी है ना, अल्लाह बेहतर करेगा। तुम्हारा जमील। ये लो भाई ये तुम्हारे पैसे। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। हाँ रमजान भाई आप बैठे ना, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं चाय फिर कभी पीऊंगा, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अम्मी अपने पैसे भेज दिए, अब मेरा नया स्कूल का बैग आएगा, कितना मजा आएगा ना। देखना मुझे साइंस में एडमिशन जरूर मिलेगा, फिर मैं दुनिया को डॉक्टर बनकर दिखाऊंगी। मेरा बेटा मेरी तो दिल से दुआ है कि तुम डॉक्टर बनो। बस आप दुआ करिएगा अल्लाह पाक मेरे अब्बा को लंबी जिंदगी दे, उनकी मेहनत को मैं कभी रायगा नहीं जाने दूंगी। आमीन। अगर बेटा साइंस की फीस तो बहुत ज्यादा होती है ना, तो क्या हुआ आपको कौन सा बननी है? मेरे अब्बा है ना वो ही बनेंगे मेरी फीस। तुम्हारे अब्बा हमसे दूर से, लेकिन उन्होंने हमारी जिम्मेदारी उठाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। आपको पता है मैंने रमजान चाचा के हाथ अब्बा को खत भिजवाया था और उसमें साफ साफ लिख दिया था कि मैं सिर्फ साइंस ही लूंगी। अच्छा जी, और अब्बा अपनी लाडली बेटी की हर फरमाइश की तरह ये भी फरमाइश पूरी करेंगे। राबिया बहन। रमजान भाई आए ना, आए अंदर आए। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेटा। बैठे। देखा मैंने कहा था ना कि इंशाल्लाह खत और पैसे दोनों आए। जब चाचा के लिए चाय बना के ले। अरे नहीं बेटा बस बहन मैं चलूंगा, तुम्हारी अमानत थी मेरे पास, लेट हो गया उसके लिए माजरा चाहता हूँ मैं। ये लो। अल्लाह इतने सारे पैसे। ये तुम्हारा बहन खत है। हर दफा तो रमजान भाई आप ही पढ़ के सुनाते हो, इस दफा भी सुना दो। अरे इस निकम्मी को किस लिए पढ़ाया है, इसे पढ़वाऊं? जैसे आपने पढ़ाया मुझे, मेरे अब्बा की कमाई है। हाँ ठीक है बेटा, मगर आज ये खत तुम पढ़ोगी। ये लो। अच्छा बहन मुझे इजाजत दो। रमजान भाई मैं तो कह रही हूँ चाय पी लेते, फटाफट बना लेती हूँ। नहीं नहीं बस मैं चलता हूँ। ठीक है भाई अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
जल्दी से खत तो पढ़ के सुना। प्यारी बेटी, अरे अम्मा ने मेरे नाम खत लिखा। मैं यहाँ बहुत मुश्किल में तुम लोगों के खातिर नौकरी कर रहा हूँ। मैंने फैक्ट्री से अपनी ग्रेजुएटी एडवांस में निकलवा ली है ताकि तुम अपना दाखिला कॉलेज में ले सको। बेटा इन पैसों का एहतियात से इस्तेमाल करना, मैं शायद 4-5 महीनों तक पैसे ना भेज सकूं। चल शुक्र है अल्लाह का कि खत भी आ गया और पैसे भी आ गए। अरे ये तो रमजान भाई का बटुआ गिरा हुआ है, देना मुझे। ये शायद ये गिरा के चले गए। अच्छा तू एक काम कर, ये पैसे संभाल, मैं ये ना उनके देकर आती हूँ। मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं तू घर में रह, मैं देकर फटाफट आती हूँ। सही है, पैसे संभाल देना। अरे अरे पानी लाऊं तेरे लिए? नहीं चाची। एक तो तेरी समझ नहीं आती मुझे, ऐसी भी क्या खुदा तरसी कि बंदे को अपना होश ही ना रहे। बस जो खुदा की मर्जी। अरे बेटा अल्लाह की मर्जी तो इंसान के अमल से चलती है, और ये कहाँ की अकलमंदी है कि अपना तो घर बसाओ नहीं दूसरों का बसाते फिरो। तू अपने ग्रेजुएटी के सारे पैसे दे के आ गया राबिया, तुझे क्या मिला? तो क्या करता चची मैं उस बच्ची के अरमानों को जला कर आग कर देता? ये जो तू 6-7 साल से झूठे खत और पैसे पहुंचा रहा है, खुदा ना खास्ता अगर कभी ये बात खुल गई तो फिर क्या होगा, कभी सोचा तूने? क्या होगा, कुछ शिकवे शिकायतें माफी तलाफी बस। तूने बड़ी ज्यादती की है इन दोनों से ये बात छुपाकर कि जमील जमील फैक्ट्री में जलकर मर चुका है। कैसे मैं कहूं जिंदगी, अगर मैं उन्हें बताता उस वक्त तो वो दोनों भी मर जाते। तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। तुम्हारे पैसे जैसे कुछ खोया हुआ। मुझे अलीजे की पढ़ाई की बड़ी फिक्र है, मेरी बेटी मेरी ढाल बनेगी एक दिन। अश्कों का एक नया नाम रख दिया, तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया। बस उस दिन के बाद से रमजान चाचा नहीं मिले। पता नहीं कहां चले गए। फिर 4 साल बाद अम्मा भी चली गईं और मुझे एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। आज जब सोशल मीडिया पे मैंने उनकी तस्वीर पे मदद की अपील पड़ी तो ऐसा लगा जैसे मेरी तलाश मुकम्मल हो गई। आज मैं जो भी हूं, जिस मकाम पे भी, रमजान चाचा की वजह से। रमजान चाचा Yeah.
नहीं ढूंढा आपको। ढूंढ भी लेती तो क्या कर लेती, उल्टा मुझे शर्मिंदा क्यों चले गए थे रमजान चाचा? अरे बेटा, एक पोस्टमैन के लिए इतना क्यों रोती है? आप होंगे पोस्टमैन, लेकिन मेरे लिए आप कायनात का एक कीमती तोहफा है। अगर आज आप ना होते ना, तो मैं और मेरी माँ किसी घर में मासी लगे हुए होते। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। मेरे लिए तो इंसान से बढ़कर कुछ भी नहीं। कहने दे मुझे, मैं कई बार भी पैदा हो जाऊं, का शुक्रिया तो नहीं कर सकती। कैसा शुक्रिया बेटा, मैं तो तेरे बाप की जगह हूं ना। बाप को शुक्रिया कौन बोलता? यही तो अलमिया है। सबसे पहले तो बाप को शुक्रिया अदा करना चाहिए, और वो भी अगर आप जैसा हो तो लव शुक्रिया भी छोटा पड़ जाता है। शुक्रिया रमजान चाचा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ नहीं शुक्रिया तेरा शुक्रिया। मुझे झलक दिखला।